बहुत अच्छे। ये बॉल पकड़ लो नोबिता। थैंक यू नोबिता। मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? हाँ जरूर। नहीं नोबिता। नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुनियो मेरे साथ खेलना चाहोगे? ओ इस वक्त नहीं, मैं एक रिमोट कंट्रोल कार बनाने जा रहा हूँ। ठीक है नोबिता। शिज़ुका। ओ नोबिता क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? अभी नहीं नोबिता, मैं घर जाकर नहाना चाहती हूँ। डोरी वो यहाँ पर नहीं है। स्पेस एडवेंचर। हाय नोबिता, तुम जल्दी वापस आ गए। हे नोबिता, तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो बताओ तो? हे डोरेमोन, बोलो क्या बात है? मैं चाहता हूँ कि मैं स्पेस में जाऊं और इसलिए मुझे एक रॉकेट दे दो। क्यों है ना नोबिता? क्यों नहीं, तुम फ्यूचर से आए हुए एक रोबोट हो। फ्यूचर में तो ढेर सारी स्पेस शिप्स होंगे। मैंने सच कहा ना? फ्यूचर में भी स्पेस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ भी बहुत तकलीफ होती है, हवा की कमी होती है, वहाँ भी बहुत धूप होती है और वहाँ सब कुछ बर्फ की तरह जम गया होता है और वहाँ ढेर सारे स्पेस मॉन्स्टर्स भी होते हैं। कितना मजा आएगा। सच कहूँ तो मुझे इसी चीज की तलाश थी। नहीं नोबिता, तुम्हारे जैसे डरपोक और आलसी लड़के के लिए स्पेस ट्रैवल नामुमकिन है, समझे? मेरी बात मानो। अरे चलो ठीक है ठीक है। मैं गलत था नोबिता, मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। UFO सिम्युलेटर। क्या कहा तुमने, UFO सिम्युलेटर? हाँ ये एक तरह का सिम्युलेटर है। सिम्यू, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा डोरेमोन। सिम्युलेटर ये एक प्रैक्टिस सिम्युलेटर है। अब तुम जरा ध्यान से देखो। जब तुम यहाँ बैठकर इस कंट्रोलिंग डिवाइस को हिलाओगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम स्पेस में हो, समझे नोबिता? अरे वो देखो, ये है सॉसर। ये सॉसर हवा में उड़ता है और इसकी खिड़की से जो नज़ारे दिखते हैं वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। नोबिता अब हम ऐसा करते हैं, इस फ्लाइंग सॉसर को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? हाँ। स्विच ऑन, टेक ऑफ। वाव ये उड़ रहा है, यहाँ का नजारा भी हिल रहा है। पर ये तो स्पेस की तरह नहीं लगता। क्या? ओफो, मैं तो व्यू स्विचिंग बटन को ऑन करना भूल ही गया। ठीक है, अब हम पूरे यूनिवर्स को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ लगता है हम किसी स्टार के ऊपर हैं। ठीक है चलो टेक ऑफ करते हैं। मजा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी असली फ्लाइंग सॉसर पर हैं, है ना? यही तो इस मशीन की खासियत है। वो देखो सामने एक पहाड़ है। जल्दी करो, राइट साइड पर मुड़ो। चलो नोबिता अब हम नीचे जाते हैं, तुम जरा दरवाजा खोल दो। हाँ ठीक है। डोरेमोन तुम तो अकेले ही मजे कर रहे हो, जरा मुझे भी खेलने दो ना। तुम ये चला लोगे? तुम चिंता मत करो। हैंडल को धीरे से पकड़े रखना। हाँ इसी तरह, उसे हिलाना मत। वाओ जमीन तो गायब हो गई। ये सीढ़ियाँ हैं। एक्सेलरेटर को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आओ और धीरे से हैंडल को आगे धकेल दो। एक्सेलरेटर को धीरे से दबाओ।
हे जरा ध्यान से, हम हॉल वे में हैं, हैंडल को खींचो। बाल बाल बच गए। बस अब बहुत हो चुका, अब यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे। चुप रहो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ओह जरा सामने देखो नोबिता। ओह ये एक एलियन है। ये जरूर नोबिता का काम है, हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। ये एलियन तो नाराज लगता है। चलो यहाँ से चलें। एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से वो एलियन शायद मॉमी थी। नोबिता अपनी नजरें सामने जमाए रखो। ये तो एक आइस बॉल है, हम उससे टकरा जाएंगे। लगता है हम घर के बाहर हैं। तो क्या डोरेमोन, मैं तो वैसे भी बाहर जाना चाहता था। तुम्हें जरा और संभल कर रहना चाहिए था, अगर फ्लाइंग सॉसर टूट जाता तो ये कंट्रोल डिवाइस भी ब्लास्ट हो जाता, समझे तुम? क्या सच में? ये पहाड़ दरअसल लोगों के घरों के छत है ना? हाँ, अगर हम उनसे टकरा गए तो मुसीबत हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ा दो। रोजर, वहाँ पर कुछ तो है। आओ जाकर देखें। एक मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर का दिमाग खराब हो गया है, चलो चलें। मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम सचमुच स्पेस में हो, है ना? हाँ। ये एक स्पेस शटल है, ये शायद वापस धरती पर आ रहा है। सेफ लैंडिंग करना। अरे एक फ्लाइंग सॉसर, आखिर मैंने उसे देख ही लिया। उस जगह पर शायद मैदान होगा। चलो ठीक है, वापस जाते हैं और इस बार जमीन के पास फ्लाई करते हैं। तुम जमीन से टकरा जाओगे। अरे अंधेरा क्यों हो गया? ये कैसी आवाज थी डोरेमोन? आखिर मैंने इसे पकड़ ही लिया, अब मैं इसे किसी टीवी चैनल या किसी न्यूज़पेपर के पास ले जाऊंगा। नोबिता मेरे ख्याल से हम जरूर किसी ना किसी गड्ढे में गिर गए हैं। क्या मैदान में एक बड़ा सा गड्ढा है? अब तुम जल्दी से एक्सेलरेटर दबाओ और यहाँ से फौरन निकलो। यस सर। अरे ऐसे मत हिलो, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ये हम बच गए। चलो शुक्र है। वो क्या है? एक स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। वो फ्लाइंग सॉसर कहाँ गया? मैं उसकी तस्वीरें खींचूंगा और किसी को बेच दूंगा। अब हमारे ब्रेक का वक्त खत्म हो गया, चलो फिर से स्पेस ट्रैवल पर चलते हैं। हाँ। अलविदा स्पेस स्टेशन, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ओह वो पहाड़। देखो वहाँ पर एक गुफा है। जरा संभल कर नोबिता, विश्वास करो। वहाँ एक लाइट है। ओह काफी तेज लाइट है। अरे वाह, ये एक लेक है। मुझे नहीं पता था कि स्पेस में भी लेक्स होती हैं। कितना सुंदर है ना? अरे ये क्या है? जरा संभल कर। अरे ये फ्लाइंग सॉसर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे नहीं, मैं अभी उसकी तस्वीर खींच लेता। बाल बाल बच गए, वो मॉन्स्टर गुस्से वाला था। मॉन्स्टर्स तो अलग अलग तरह के होते हैं।
वो देखो एक और गुफा, चलो इसके अंदर जाते हैं। गुफाओं से दूर रहो। ये तो बर्फ है। ओह, एक रास्ता। ठीक है, आओ आगे बढ़ते रहते हैं। जल्दी करो, उससे दूर हट जाओ, ऊपर चलो। नहीं, अब नीचे जाओ, आगे जाओ। ब्रेक लगाओ नोबिता। नहीं नहीं, एक्सेलरेटर। तुम ही कर लो। तुम दाई तरफ उड़ो। दाहिने हाथ से पकड़ेंगे चॉपस्टिक्स। मॉन्स्टर था और उसने हम पर हमला कर दिया। डोरेमोन, पर वो मॉन्स्टर भला था कौन? मुझे लगा कि कोई कीड़ा मकोड़ा शायद अंदर आ गया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये क्या हो गया? ये तो बहुत गलत हुआ। अरे नहीं। हे सुनियो, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक फ्लाइंग सॉसर, एक यूएफओ। क्या वो एक यूएफओ है? बिल्कुल नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, इसे जिम बटलर का फ्लाइंग सॉसर कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया में देखा गया है। मैं सच कह रहा हूँ जियान, मैं इसकी तस्वीरें खींचकर किसी टीवी चैनल या फिर किसी न्यूज़पेपर को बेचने ही वाला था, मगर मैं इसकी तस्वीरें नहीं खींच पाया। हाँ? सब बर्बाद हो गया। हे सुनियो, पर ये अब भी ये अब भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनियो। क्या बकवास है।